मुझे लगता है कि इस बात से आप लोग भी सहमत होंगे कि इस समय किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, आप लोग राजनीति के क्षेत्र को ले लीजिए, या समाज सेवा के क्षेत्र को ले लीजिए, या विज्ञान के क्षेत्र को ले लीजिए, या आर्थिक क्षेत्र में कहीं भी देखिए आप लोग, महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल भी कम नहीं है। कहीं कहीं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि महिलाएं पुरुषों से भी आगे निकल चुकी हैं। और आपने देख सुना भी होगा कि हमारे भीमराव अंबेडकर साहब, संविधान के जिन्हें आप लोग पिता कहते हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि मैं किसी समुदाय की प्रगति, यानी कि मैं किसी समुदाय के विकास की बात इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय उस समुदाय में महिलाओं की स्थिति या फिर प्रगति क्या है। समझ रहे हैं आप लोग? फिर चाहे आप लोग देख लीजिए कि मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि मुस्लिम मतलब इस तरह की समुदाय में महिलाओं को कम कर आकर देखा जाता है, ये भी मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ तक कहा है कि कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता है जब तक कि वो उसकी उस देश की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर आगे ना बढ़ रही हों। ठीक है, और आपने देखा होगा कि एक कवि है जेम्स स्टीफेंस, इन्होंने कहा है कि स्त्रियां पुरुषों से कभी अधिक बुद्धिमान होती हैं, उनके पास अधिक बुद्धि होती है, क्योंकि वे पुरुषों से कम जानती हैं लेकिन उनसे ज्यादा समझती हैं उस बात को। तो याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स परीक्षा में भी पूछे जाते रहे हैं और आपके लिखित परीक्षा में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, और निबंध भी आपने देखा होगा कि आते रहते हैं। क्वेश्चंस बन सकता है कि हमारे इतिहास में महिलाओं की क्या भूमिका रही है, चर्चा कीजिए, या आजादी में महिलाओं की क्या भूमिका रही है, चर्चा कीजिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्ट भी बन सकते हैं। और आपने देखा होगा कि हाल ही में आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया है, तो इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बन सकता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 8 मार्च को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और याद रखिए, इसकी इस बार की थीम लोग आप लोग याद रखिए, क्योंकि इससे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकता है। वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तब भी आपका क्वेश्चंस आ जाता है। तो इस बार की थीम रही है आपकी वुमेन इन लीडरशिप, अचीविंग इन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है, इस थीम को भी याद रखिए। और आप लोगों को ये भी याद रखना होगा कि पहली बार कब मनाया गया था, तो ये पहली बार 1909 में मनाया गया था। और याद रखिए, 1970 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक मान्यता भी दी थी। किसे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को। ठीक है, और याद रखिए, अगर मैंने पहले भी आप लोगों से बोला है कि जो आपके 17 सतत विकास लक्ष्य हैं इन्हें आप लोग कंठस्थ याद रख लीजिए, क्योंकि इनका उपयोग होता रहता है, हमेशा आंसर राइटिंग में भी होता है और आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं। तो आप देखते होंगे कि जब सतत विकास लक्ष्य 5 को आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें सीधा सा लिखा है कि इसका मतलब है कि लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को मजबूत यानी कि सशक्त बनाना है। ठीक है, तो इन पॉइंटों को भी आप लोग याद रखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे प्राचीन भारत में महिलाओं का योगदान क्या रहा है, मध्यकाल में क्या रहा है, या फिर देखेंगे अंग्रेजों के समय क्या रहा है, स्वतंत्रता में महिलाओं की भूमिका किस तरह से रही है। और आज भी आप देखते हैं कि हमारी पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, आप जानते हैं कि उन्हें भी कम आंककर नहीं देखा जा सकता है। देखा होगा कि पाकिस्तान ने उनसे पंगा लिया था, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, एक बांग्लादेश बना दिया गया था। आप देखते हैं कि हमारी पहली राष्ट्रपति विधवा पाटिल, समझ रहे हैं आप लोग? और आप लोगों को नीचे लिखना है कि आपके राज्य की पहली महिला सीएम कौन थी और पहली महिला राज्यपाल कौन रही है। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपके पूछ लेता है। ठीक है, भारत मात्र एक देश नहीं बल्कि संस्कृति, सभ्यता तथा आदर्शों का एक समुच्चय है, और जिसके निर्माण में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान रूप से योगदान दिया गया है। भारतीय संस्कृति, समाज विज्ञान, राजनीति के सभी आयामों में महिलाओं का अविस्मरणीय योगदान रहा है। और प्राचीन काल में गार्गी अपाला जैसी विदुषियों ने, आधुनिक काल में किरण बेदी, ममता बनर्जी जैसी महिलाओं की एक सुखद परंपरा रही है, जिन्होंने देश की सर्वांगीण विकास में योगदान भी दिया है। आप लोग जब भी जानते हैं, भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना भी किया है। प्राचीन काल में आप देखेंगे तो पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल में निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक, और आधुनिक काल में समानता, स्वतंत्रता,
अधिकार के सिद्धांतों के पथ पर प्रगतिशील होते हुए भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। और आप जानते हैं कि जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ, आप जानते हैं कुछ प्रावधानों के साथ 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुका था, और संविधान पूरी तरह से लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को। तो आपने देखा होगा कि महिलाओं को उसमें कुछ अधिकार भी दिए गए, क्योंकि पहले आप देखते होंगे कि महिलाओं को एक मुख्य परंपरा, मुख्य धारा से एक तरह से काट के रखा गया था, दूर रखा गया था। तो उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इस तरह के कई प्रावधान भी किए गए हैं। ठीक है, आप देखते हैं मौलिक अधिकारों में, आप देखते हैं। बात आती है कि प्राचीन काल में महिलाओं की भूमिका क्या रही है। तो आप सभी जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मात देवी की मूर्तियों से स्पष्ट होता है कि सभ्यता में महिलाओं को सम्मान प्राप्त होता है। आप देखिए कि एक तरह से आप लोग तभी इस अंदाजा लगाया जाता है, देखिए उस समय की कोई साक्ष्य नहीं है कि हम लोगों ने पढ़ के पता कर सकें कि क्या स्थिति थी, लेकिन आप समझिए कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियां मिलती हैं तो ये अंदाजा लगा लिया जाता है कि इस समय महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी रही होगी। वैदिक काल में आप देखते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा और दीक्षा का अधिकार भी दिया गया था, और इस काल में आप देखते हैं गार्गी अपाला जैसी विदुषी महिलाओं का नाम प्रमुख भी रहा है, और वेदों में अदिति देवताओं की माता का वर्णन भी मिलता है, और इस काल में बहुपत्नी तथा बहुपति विवाह प्रचलित में थे। ठीक है, फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो महाजनपद काल में देखते हैं कि आते आते राज्य में निर्माण तथा युद्ध की प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण स्त्री संतान की इच्छा कम होती गई, परंतु इस काल में भी महिलाओं को सम्मान प्राप्त रहा है। फिर आप देखेंगे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी संभवतः मात्र प्रधान वंश से संबंधित थे, यानी कि इस समय भी महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी रही होगी। तभी आप देख रहे हैं कि राजा अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम जोड़ लेते थे। ठीक है, साक्ष्यों के अनुसार गुप्त काल में प्रभावती गुप्त प्रभावशाली महिला रही है, परंतु समग्र रूप से महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है इस समय, और महिलाओं को जो सम्मान वैदिक काल में मिला वह सामंत काल आते आते कम हो गया है। यानी कि कह सकते हैं आप लोग कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी रही थी, परंतु पत्नी तथा माता के रूप में इस समय भी महिलाओं का सम्मान भारतीय समाज में हो रहा था। यानी कि एक तरह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से महिलाओं को नकार दिया, कभी भी नहीं नकार सकते हैं। आप देखते होंगे कि केरल का मामला आप लोगों ने काफी सबरीमाला मंदिर का विवाद सुना होगा, कि आप समझ सकते हैं कि एक महिला जिस पंडित जी जो वहां पुजारी बैठे हुए हैं उन्हें जन्म देते हैं, यानी कि जन्म देने वाली अछूत कहलाने लगती है और पंडित जी शुद्ध हैं, ये कहाँ की परंपरा बनी हुई है। आपने देखा है कि हमारे न्यायालय ने फिर उसमें हस्तक्षेप किया, और महिलाओं को भी उस मंदिर में जाने के लिए एक तरह से खुली छूट दे दी गई है। ठीक है, तो याद रखिए कहीं भी कम आकर नहीं देखा जा सकता एक तरह से। ठीक है, ये तो क्या है कि इस तरह के जो भी धर्म गुरु रहे हैं इन्होंने इस तरह की मनगढ़ंत कहानी एक तरह से रख दी है, वरना आप समझिए कभी भी महिलाओं को नीचे रखा ही नहीं गया। ठीक है, अगर हम बात करें मध्यकाल में भारत में महिलाएं की स्थिति क्या रही है, तो समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में मध्ययुगीन काल के दौरान और अधिक गिरावट आई है, और इस समय तक भारत में वर्ष में सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर रोक अपने चरम पर पहुंच चुके थे। इस समय आप देखेंगे कि इस तरह के धर्म गुरुओं का महत्व बढ़ जाता है, और यही लोग एक तरह से इन्हें गिराने लगते हैं, इनकी स्थिति को समझ रहे हैं आप लोग। पर्दा प्रथा तथा राजस्थान के राजपूतों में जोहर की प्रथा थी, और भारत के कुछ हिस्सों में आप देखेंगे देवदासियां या फिर मंदिर की महिलाओं को यौन शोषण का शिकार भी होना पड़ा था, वो बहुपत्नी प्रथा प्रचलन में थी, परंतु बहुपति प्रथा का अंत हो चुका था। आज भी तो आप देखते हैं कि आप देखिए कि अगर एक पुरुष दो से चार शादी कर ले तो उस पर कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन आपने देखा होगा कि महिलाओं को इस तरह की छूट नहीं दी गई है। तो ये हमेशा देखिए इस तरह का रहा है। इन परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ महिलाओं ने राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में सफलता हासिल की है, और रजिया सुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला सामग्री संभाराज्ञी बनी थी। और गोंड की महारानी दुर्गावती के बारे में भी आप लोग सुनते होंगे, अहमदनगर की चांद बीवी के बारे में भी आप लोग सुनते होंगे, तत्कालीन भारत के सबसे बड़ी शक्ति अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था इन सभी लोगों
को आप मध्यकाल में देख सकते हैं। ठीक है, एक काफी आप लोग नाम सुनते होंगे, अकबर के काल में अकबर की धाय माता महामंगा का मुगल राजनीति में काफी अच्छा प्रभाव भी देखा गया है। और जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने राजशाही शक्ति का प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल भी किया है। इस समय भी देखेंगे राजपाट में जो भी रहा है इनका काफी हस्तक्षेप रहता था, और मुगल राजगद्दी के पीछे वास्तविक शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित भी किया इन्होंने। मुगल राजकुमारिया जहांआरा और जेबोनिसा रोशन आरा इत्यादि मुगल राजनीति में काफी आगे रही हैं, भाग लेती रही हैं महिलाएं। ठीक है, ये तो आपका मुगल समय के मुगल राज्य के समय रहा है। ठीक है, तो इन सब के बारे में याद रखिए। आगे आप देखते हैं कि राणा प्रताप तथा शिवाजी के व्यक्तित्व निर्माण में इनकी माताएं क्रमशः जयवंताबाई और जीजाबाई का काफी नाम आदर से लिया जाता है। और आप लोग भी तो कहते रहते हैं कि हर सक्सेस पुरुष के पीछे महिलाओं का हाथ होता है, तो इसमें भी आप लोग देख ही रहे हैं, फिर चाहे वो आपकी बहन भी हो सकती है, माता भी या पत्नी भी, कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ आप देखते होंगे मीराबाई का नाम सुनते रहते हैं, महारानी पद्मिनी का नाम सुनते रहते हैं। इस काल में कभी आपको देखने को मिलेगी काफी प्रभावी महिलाएं रही हैं, इन्होंने समाज हो, राजनीति हो या भक्ति हो, इसमें काफी प्रभाव छोड़ा है। ठीक है, अगर बात करें अंग्रेजों के समय की बात करें हम लोग, तो अंग्रेजों के समय आपको देखने को मिलेगा कुछ महिलाएं उस समय भी काफी चर्चा में रही हैं, रानी लक्ष्मीबाई को आप लोग देखते रहते हैं। ठीक है, आप समझिए कि रानी लक्ष्मीबाई के समय आपने देखा होगा कि सिंधिया जैसे लोग तो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रही थी। ठीक है, इसीलिए आप इतिहास की कोई स्पेशल बुक्स उठा के देखते होंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सिंधिया गद्दार था, रानी लक्ष्मीबाई को काफी सम्मान दिया जाता है। देखिए आज जो भी हो रहा है इसका इतिहास लिखा जाएगा, आज हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि किस तरह से कोई क्या मतलब किसी का एक तरह से बता नहीं सकते सही क्या है गलत क्या है, आने वाले इतिहास में इस तरह की कोई भी निष्कर्ष निकाला जाता है। आपने देखा होगा कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्हें उस समय जब आंदोलन कर रहे थे तब इन लोगों को आतंकवादी, देशद्रोही कहा जाता था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। ठीक है, इस समय अगर अंग्रेजों के समय आप देखेंगे तो कर्नाटक में कित्तूर रियासत की रानी कित्तूर चिनम्मा और तटीय कर्नाटक की महारानी देखेंगे अब्बक्का रानी, झांसी की महारानी रानी लक्ष्मीबाई और अवध की सहशासिका बेगम हजरत महल जैसी महिलाओं ने न सिर्फ अपने प्रशासनिक गुणों का परिचय दिया बल्कि अंग्रेजों तथा अन्य यूरोपीय शक्तियों से युद्ध कर अपनी वीरता का भी परिचय दिया था। आप देखेंगे होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई होलकर अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था, प्रशासन, सैनिक कुशलता में काफी दक्ष थी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस समय भी महिलाएं कम शक्तिशाली रही होंगी, उन्हीं में से आप देख सकते हैं इस तरह के नाम उभर के आए हुए हैं। मुझे ज्यादा लगता है कि देखिए अपने आप को आप कमजोर रखे हुए हैं। ठीक है, आपने काफी एक सुना होगा भोपाल की बेगम के बारे में भी, इस अवधि की कुछ उल्लेखनीय महिला शासिकाओं में शामिल थी और उन्होंने पर्दा प्रथा को नहीं अपनाया और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी लिया था। ठीक है, फिर आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो कादम्बिनी गांगुली हो गई है, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी और इत्यादि महिलाओं सहित अनेक जन सामान्य से आई महिलाओं ने भी स्वदेशी आंदोलन हो, फिर चाहे आपका असहयोग आंदोलन हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो, इसमें भी काफी सहयोग किया, बढ़ चढ़कर एक तरह से हिस्सा भी लिया। आप लोग आगे जाएंगे तो सावित्री बाई हो गई, कूच बिहार की महारानी, नारी शिक्षा पर काफी जोर भी दिया था इन्होंने, दुर्गा भाभी जैसी कई महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी प्राणों की परवाह न करते हुए काफी योगदान दिया। इस काल में आप देखेंगे सती प्रथा हो गया, शिशु वध पर रोक लगाई तथा विधवा पुनर्विवाह के लिए काफी एक तरह से जागरूक भी किया। ठीक है, तो ये तो है आपका अंग्रेजों के समय एक तरह से महिलाओं की क्या भूमिका रही है। ठीक है, इनके बारे में काफी नाम याद रखा करिएगा, इस तरह के कोट्स जो होते हैं जब भी आंसर लिख रहे हो उन्हें डाल दिया करिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि काफी प्रभावकारी आंसर हो जाता है। अगर आजादी के समय की हम लोग बात करें तो आप जानते हैं कि आजादी में भी काफी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, तो स्वतंत्रता भारत में स्वतंत्रता, अधिकार, समानता जैसे आदर्शों के साथ भारत की महिलाएं समस्त क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं।
भारत के सफल नेतृत्वकर्ताओं में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ले लीजिए आप लोग। स्वतंत्रता के बाद की स्थिति की बात की जा रही है, आदर से लिया जाता है। ये पहली प्रधानमंत्री भी थी आपके देश की, ठीक है। आपने देखा होगा बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो, या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की बात हो, ठीक है। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो देश में सर्वोच्च पद पर भी आसीन रही है, यानी कि राष्ट्रपति भी बनी हुई है। और अभी समय में देख लीजिए आप लोग राजनीति में, बहन मायावती हो गई, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, वसुंधरा राजे, या फिर आपने देखा होगा उमा भारती, ये सभी काफ़ी मजबूत हैं। और महिलाओं की प्रशासनिक क्षमता भी पर भी राष्ट्र निर्माण में सहायक होती हैं। अभी आपने देखा होगा कि कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक आर्टिकल निकला हुआ था, उसमें तो यहाँ तक कह दिया गया कि राजनीति में, यानी कि इस सरकार को, गवर्नमेंट को चलाने के लिए महिलाएं पुरुषों से काफी आगे हैं, ठीक है। खेल के क्षेत्र में देख लीजिए आप लोग, मैताली राज, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल का नाम काफी आप लोग चर्चा में सुनते रहे हैं। और यहाँ तक कि कॉरपोरेट जगत में आप देखते होंगे नीता अंबानी, अरुंधति भट्टाचार्य, चंदा कोचर, इंदिरा नूरी का नाम काफी प्रसिद्ध रहा है। तो ये तो आपने देख लिया है कि आजादी में किस तरह से रही हैं, और स्वतंत्रता के बाद भी किस तरह से महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं, ठीक है। और लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं कि ऐतिहासिक रूप से पिछड़ेपन से उभर कर भारत की महिलाओं ने सभी क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर, राजनीति से लेकर खेल हो, फिर चाहे आपका अभिनय हो, कला हो, पत्रकारिता हो, प्रशासन में अपना लोहा भी मनवाया है, तथा भारत के निर्माण में योगदान भी दिया है। भारत को सर्वोच्चता के शिखर पर पहुंचने में इन महिलाओं का काफी योगदान भी रहा है और रहेगा भी। और अभी आपने देखा होगा कि संसद में एक तरह से आवाज भी उठ रही है कि 50% आरक्षण की बात की जा रही है, लोकसभा हो या फिर आपका विधानसभा हो। आप समझ सकते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है, और आपने देखा है कि एक तरह से ना के बराबर एक तरह से चुनी जाती है महिलाएं। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, उन्हें उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो उनकी आवाज को उठाने के लिए एक तरह से होनी ही तो चाहिए संसद हो, फिर चाहे आपकी विधानसभा हो, आवाज उठाने के लिए कुछ इस तरह की जो समस्या समझ सकता है उन्हें तो चाहिए। तो इसलिए आरक्षण की बात की जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि स्थानीय प्रशासन में आपकी कई राज्यों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, 50%, कहीं 1/3%, एक तरह से, ठीक है। तो इस तरह की बातें भी काफी चर्चा में बनी रहती हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपके बन भी चुके हैं, तो आप लोग याद रखिए, ठीक है।